हेलो डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स स्केल ड्रिल मैथ्स इट इज़ होप इंटरनेशनल चैप्टर नंबर टू फ्रैक्शंस एक्सरसाइज टू पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फोर द क्वेश्चन इज राइट इक्वल और नॉट इक्वल इन द बॉक्सेस विदाउट एक्चुअल वर्किंग ऑट द आंसर हमें यहाँ पर इन क्वेश्चन को वॉच करके रीजन देते हुए इक्वल और नॉट इक्वल बताना है फर्स्ट में आप देख रहे हैं थ्री बाय फोर प्लस थ्री फाइव बाय सिक्स प्लस वन रेशियो टू बाय थ्री और थ्री बाय फोर यहाँ ब्रैकेट में है और ब्रैकेट का पोजीशन चेंज हुआ है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर में इक्वल मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिवाइड साइन के साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवाइड के लिए नॉट इक्वल होती है मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर से इक्वल होती है और सब्ट्रिक्शन के लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये नॉट इक्वल होती है मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ आपको उसी तरह से बस फील करना है इसमें हमें आंसर नहीं फाइंड करने हैं विदाउट वर्किंग ऑन आंसर हमें ये आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें बताना है स्टेट विदर द आंसर इज ग्रेटर देन वन और लेस देन वन अगर ग्रेटर देन वन है तो ग्रेटर पे टिक करेंगे अगर लेस देन वन है तो लेस देन पे टिक करेंगे इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा सपोज़ यहाँ टू बाई थ्री है मैंने आपको बताया है कि अगर डिवाइड को हमें सॉल्व करना है तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और जो सेकेंड नंबर है इसे हम रेसिप्रोकल करते हैं जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे टू से टू कैंसिल होता है और हमें क्या मिल रहा है वन अपॉन थ्री और वन अपॉन थ्री जो है वो लेस देन वन होता है तो हम किस पे टिक करेंगे लेस देन वन पे इन सेकेंड क्वेश्चन व्हेन वी सॉल्व द सेम प्रोसेस अगर आप इसी तरह से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेटर देन वन सेम इन क्वेश्चन नंबर सी व्हेन वी सॉल्व इट वी फाइंड द आंसर इज अगेन ग्रेटर देन वन एंड इन क्वेश्चन नंबर डी वी फाइंड द आंसर लेस देन वन इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आपको सी डब्ल्यू में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिए एज़ इट इज़ दोनों साइड नोट करके आपको साइन आप कलर चेंज कर लीजिएगा या तो आप इक्वल और नॉट इक्वल के साइन ब्लैक पेन से लगा लीजिए और क्वेश्चन ब्लू से लिख लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव में भी आप पहले क्वेश्चन ब्लैक से लिखिए चार्ट बना लीजिए ये सारे क्वेश्चन आप ब्लैक से लिखिए और फिर आप इस तरह से ब्लू पेन से टिक लगा लीजिए आंसर्स के जैसा बुक में हमने किया है सेम ऐसा ही आपको सी डब्ल्यू में नोट करना है तो आपकी कॉपी और सिस्टमेटिक लगेगी यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज टू पॉइंट टू है ये पूरी कंप्लीट हो रही है नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री आपकी एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री जो है उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सो बी रेडी फॉर दैट थैंक यू हैव अ नाइस डे एवरी वन